सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। बहुत दिन बाद वापस आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने ले लिया है नया हीरो गोप्रो, और ये वाली गोप्रो थोड़ी सी पुरानी वाली है, हीरो गोप्रो सेशन वाली। और इसको मैं आज आपको रिव्यू करके दिखाऊँगा इसमें क्या क्या फीचर है। मैंने सेकेंड हैंड खरीदा मेरे एक दोस्त से, तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कैसा है गोप्रो सेशन 5। और इसके साथ नया नया वीडियो भी आने वाले हैं। अभी मैं कुछ दिन बाद बाहर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पूरा वीडियो ब्लॉग्स में जरूर इसमें मेरा चैनल में डालूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नया नया जो वीडियो है अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, ये रहा वो गोप्रो, बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है इसका। मेरे पास बॉक्स नहीं है इसलिए इसका मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए आपको बस इसको दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा साइज़ है, इसमें कवर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसे खोल के आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये है पूरा वो कैमरा, बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये वाटरप्रूफ भी है। ये वाले जो मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हीरो सेशन 5। और इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऊपर, और नीचे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जो आपका जितना भी सेटिंग्स वगैरह है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका डिस्प्ले आएगा यहाँ पे, ये वाली जो है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए, इसमें लाइट जल रहा है, इसमें 3 क्लिक में स्टार्ट हो गया। अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग का इसका आ रहा है। और हम अगर इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो इसको बस एक बार क्लिक करना है, देखिए ये बंद हो चुका है। तो 1 क्लिक स्टार्ट एंड 1 क्लिक स्टॉप, इसका ये वाली बहुत अच्छा वाली एक फीचर दिया हुआ है। जो हेलमेट माउंट है उसमें भी मैं लगा सकता हूँ, उसके लिए मुझे बस चाहिए इसका ये कवर, क्योंकि इसमें जो है हेलमेट माउंट के लिए ये माउंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं इसको पहले लगवा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसको हेलमेट में कैसे लगाया जाता है। और इसका जो कवर है आप लोग अमेजन ले सकते हैं, ये मैंने अमेजन से ख़रीदा है इसका कवर। तो ये वाले कर दिए मैंने ब्लॉक, ये तैयार। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसको हेलमेट में कैसे लगाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले ये BSDDP का एक हेलमेट चिन माउंट लिया था, तो इसी में ये वाले गोप्रो के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे कि मैंने वो वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो देखे नहीं होंगे तो यहाँ ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पर माउंट करना है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो और यहाँ पे भी एक क्लिप दिया हुआ है, इस क्लिप को इसके अंदर बस जोड़ना है। जुड़ गया, उसके बाद इसके साथ जो ये जो क्लिप आता है, इस क्लिप को बस आपको फिटिंग कर देना है। ये रहा, और ये आपका माउंट तैयार। बस अभी आपको जैसे कि हेलमेट में इसको इन तीनों स्टेप को बांधना है, उस तरह से बांध लीजिए और आपका गोप्रो तैयार। उसके बाद आप लगाने के बाद एक क्लिक कीजिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली, और 1 क्लिक पे वीडियो एंड गोप्रो ऑफ। सो बिल्कुल ही इजी सा इसका फंक्शन है, और इसमें 4K रिकॉर्डिंग भी होती है। एक और बढ़िया फीचर दिया हुआ है कि आप अगर वीडियोज़ का स्टार्ट करते हैं तो एवरी 7 सेकेंड में ये एक फ़ोटो ही खींच लेते हैं अपने आप ही, और आपको इसका झंझट भी नहीं रहेगा कि वापस से जो जगह आप वीडियो कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो अलग से चाहिए, या खुद ही उसको फ़ोटो क्लिक कर लेगा और वीडियो भी उसका बनाते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो इसमें एक बढ़िया से वो वाला फीचर दिया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है मोबाइल के साथ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से गोप्रो क्विक ये वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको गोप्रो वाली सेशन में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन होना चाहिए, तभी ये आपका गोप्रो के साथ जो है वो पेयरिंग होगा। और ऐसे आपको स्क्रीन मिलने वाला है, उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग में जाके इसका जितना भी सेटिंग वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका रिजोल्यूशन और जो भी है, नीचे आते रहेंगे तो बहुत सारा आपको फीचर मिलने वाला है। आपको किस तरह से वाइड एंगल चाहिए या फिर नॉर्मल एंगल, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कुछ इस तरह से सेटिंग में यहाँ पे आप अपना मर्जी से आप अपना सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसका मोबाइल से ही। इसके बाद आपको फोटो के लिए ये वाली फोटो वाली ऑप्शन है, आप यहीं
यहीं से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल को उस डायरेक्शन में रखिए जहाँ पे आपको फ़ोटो लेना है और बस इसमें क्लिक करिए। फिर आप अगर यहाँ पे इनेबल प्रीव्यू करेंगे तो एक लिए लाइव जो है आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो टाइम लैप्स का, ये भी एक ऑप्शन है। आप टाइम लैप्स वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीचे फोटो वीडियो टाइम लैप्स का, नाइट टाइम लैप्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप अपना मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको मैं बाहर जाके अपना हेलमेट माउंट जो है उसको लगा के मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए कैसा फुटेज आ रहा है आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बताइए। अभी मुझे थोड़ा सा बैंक में काम है तो सोच रहा हूँ साथ में बैंक में भी चला जाऊँ और आप लोग भी देख लेंगे कि इसका वीडियो कैसे आ रहा है मेरा बाइक से मैं जब इसको माउंट पे लगा के चलाता हूँ। प्रॉब्लम तो है ना, तो यही था एक छोटा सा वीडियो और इस पर मैंने आपको दिखाया कि मैंने इस बार GoPro ले लिया है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक वाला वीडियो और ब्लॉगिंग आने वाली है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी जगह जा रहा हूँ जो अपना देश का हिस्सा तो है लेकिन अपना देश का मैप से कई 100 किलोमीटर दूर है, पूरी समुंदर के बीच में है जगह। बहुत लोग जान गए होंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा वहाँ से। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।